हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फूडी मोटी। मैं हूं परी और आज की रेसिपी है सेम आलू की रसेदार सब्जी। ये सब्जी आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सब्जी बन के रेडी होता है। तो ये से बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सेम आलू की सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच के बराबर सरसों का तेल लिया है। इसे हम थोड़ा गर्म होने देंगे। इसमें हमने 1/2 चम्मच डाले हैं मेथी के दाने, 1/2 चम्मच सौंफ और ये हमने 1/2 चम्मच डाली है कलौंची। अब इन सभी मसालों को अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसमें हम डाल लेते हैं सेम। तो सेम को अच्छे से हमने धोकर इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे सेम को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, इसको रेड कलर होने तक हमें इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो जब तक सेम यहाँ पे फ्राई हो रहा है, हम मसाले का पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, 1 इंच अदरक लिया है, 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, लहसुन लिया है 2-4 कलियाँ। अब इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्सी में चला कर इनका पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए इन्हें पेस्ट बना लेते हैं और इनमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने अच्छे से इसका पेस्ट बना लिया है। अब चलिए सेम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सेम अच्छे से फ्राई हो गया है, देख सकते हैं आप। थोड़ा सा हम इसे और फ्राई कर लेते हैं। तो अब इसमें हम आलू डाल लेते हैं। तो हमने आलू को अच्छे से धोकर इसे छोटे पीस में काट लिया है। तो अब आलू डालकर भी इसे अच्छे से हम फ्राई करेंगे। सेम आलू को हम अच्छे से साथ में ही फ्राई कर लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे मटर। तो हमने 1 कप के बराबर हमने इसमें हरा मटर डाला है। अब मटर को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो आप कभी भी सेम की सब्जी बनाएं, उसमें मटर डालकर बनाएं, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है। अब इसमें हम डालेंगे छोटा पीस टमाटर, उसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके हम इसमें डालेंगे। अब इन सभी को अच्छे से हम चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। अब इसे हम थोड़ी देर ढक कर पकाएंगे। तो हमने यहाँ पे ढक दिया है, लगभग 1 मिनट तक हम ढक के इसे अच्छे से पका लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम बार बार चेक करते रहेंगे। तो हमने यहाँ पे ढक्कन को हटा के एक बार चेक किया है। तो देखिए इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है, सब्जी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फ्राई हो रहा है। तो इसे लगभग अभी हम 1 मिनट तक और फ्राई करेंगे। और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। तो अब इसमें हम डालेंगे मसाले। हमने लगभग 3 मिनट सब्जी को अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो हमने जो पेस्ट बनाए हुए मसाले हैं उनको हमने यहाँ पे डाल लिया है। अब मसाले को भी अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे और हमने गैस का फ्लेम मीडियम रखा है। अब मसाले को भी अच्छे से हम भूनेंगे, इसमें से अच्छे अच्छे से खुशबू आने लगेगी। तब तक हम मसाले को भूनेंगे और इसमें कुछ ऊपर से मसाले भी हम डाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1/2 चम्मच हमने हल्दी पाउडर डाला है और ये 1/2 चम्मच हमने इसमें धनिया पाउडर डाला है और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। हमने इसमें 1/2 चम्मच डाला है। अब इन सभी मसालों को अच्छे से मैं भून लूँगी। मसालों को लगभग हम 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे, इसमें से अच्छे अच्छे से खुशबू आने लगेगी। तब तक हम मसालों को अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे मसाले बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फ्राई हो गया है, सब्जी भी बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है, कलर इनका बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आ गया है। तो अब हम इसमें गर्म पानी डालेंगे। तो आपको जितना ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से इसमें पानी डालें। मैंने लगभग 1 गिलास के बराबर इसमें पानी डाला है।
अब इसे अच्छे से हम मिला देंगे। और ऊपर से हम डालेंगे कटी हुई हरी धनिया और इसे ढक देंगे और 2 मिनट लगभग हम इसे पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे। तो देखिए यहाँ पे सब्जी हमारी बनके रेडी हो गई है। आप इसे किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। देख सकते हैं आप सब्जी कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। तो आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और अपना अपनी फैमिली का खूब ख्याल रखिए।